था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी बहन है शोनिया जिन गाएगा सॉन्ग डिंग डिंग डोंग पिंग पिंग पोंग कम 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 चुम 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 कच कुम कच कुम क्या कहा इस कमरे में जिन है बच्चों क्यों डर रहे हो उम्र में कम 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 मुझे काम बताओ मैं क्या करूं मैं किसको गाऊं जैविनाक हामून जादूगर को कहा गया था कि आप नस्तूर का काबू है सामने जादूगर वो तो बड़ा है सामने सबसे बड़ा हेड सर वो होते हैं मुझे शक्ल लेकिन उसमें यार यार वो जिसको मैं डाल सकता हूं निकाल दूं कौन चाहती है जो यार हां क्या कहता सोना चांदी का जो कितना ओहो हां सामने कान में होता था उसके हां यार इसका सबसे मजे का इसका था ना लंगूड़ा का तुम्हें क्या काम बताओ मैं क्या करूं मैं कैप्टन ऑफ द शिप या टीम लीडर जो हमारा ड्रामे का डायरेक्टर होता है हम उसे कहते हैं और बच्चों का एक मकबूल तरीन सिलसिला मकबूल तरीन सीरीज या सीरियल कह लीजिए ऐनक वाला जिन वो भी उन्होंने किया है आपके हमारे जनाब हफीज ताहिर साहब इट इज़ सो नॉस्टैल्जिक टू बी हियर टुडे ये वो स्टूडियो है और इसके अलावा ए स्टूडियो डी स्टूडियो और इस स्टूडियो में ऐनक वाला जिन के सेट्स लगते थे क्रोमास के फ्लैश लगते थे उन पे नीला रंग होता था उनके समान सामने हमारे अदाकार एक्टिंग करते थे जिन्नों के उड़ने के सीन बनाए जाते थे और मंत्र होते थे और सब एक्टर अपने अपने इम्प्रोवाइजेशन करते थे और मैं ऊपर स्टूडियो में बैठ के वो रिकॉर्ड करता था आज मैं उस दिन को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वो कितना बड़ा शो था जो हम सब ने मिलजुल के किया और आज तक बच्चों को बड़ों को बूढ़ों को वो शो याद है जब हमने घर बनाया न्यू गार्डन टाउन में तो उसकी सड़क बड़ी ख़राब थी तो मैं हमेशा कहता अपने भाई से कि यार मेरे पास कुछ जिन हो तो मैं ऐसे वो सड़क ठीक करा दूँ रोज़ ये बात होती थी एक दिन मैं वॉशरूम में शेव कर रहा था और ऐनक मैंने रखी हुई थी सिंक पे शेव करने के बाद मुंह धोने के बाद जब वो ऐनक मैंने लगाई तो मुझे आइडिया आया ऐनक वाला जिन मुझे इंसानों की दुनिया में नहीं जाना वहां तो पहले ही बड़े बड़े जिन रहते हैं हमारा फैसला अटल है नस्तूर वज़ीर-ए-आज़म हुक्म मेरे आका नस्तूर को इंसानों की दुनिया में फेंक दिया जाए भाइयो मुझे इंसानों की दुनिया में नहीं जाना रहमो मेरे आका अंदर काम अंदर काम जिन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग जिन गाएगा सॉन्ग डिंग डिंग डोंग पिंग पिंग पोंग ये तो खैर मेरा करेक्टर था जी एंड आई थिंक आई एम द मोस्ट लकीस्ट पर्सन ऑन द अर्थ कि मैंने ये प्रोग्राम किया बच्चों का क्या बल्कि ये बड़ों का भी प्रोग्राम बन गया था तो मैंने जाके हफीज़ भाई को जाके सलूट किया सलाम किया बिल्कुल उसी अंदाज से किया जैसे कि कोई नए लोग जाते हैं ज़ाहिर है एक्टिंग में मैं उस वक्त इट वॉज द फर्स्ट टाइम तो मैंने वैसे ही जाके कहा जी मुझे भी चांस मिलेगा तो मुझे कहने लगे अच्छा यार एक कहका तो लगा के दिखाओ मैंने हंस दिया ऐसे नहीं जैसे जिन लगाता मुझे क्या पता था उसके पीछे रीज़न क्या और सिलसिला क्या चल रहा है तो मैंने ज़ोर से कह दिया इन्होंने कहा यस ओके तुम अब टाइटल इसका कर रहे हो मैंने कहा क्या मतलब जी तुम अब मेरे प्रोग्राम का ऐनक वाला जिन का शहजाद टाइटल कर रहे हो यू आर नो मोर सिंगर अब मैंने तुमसे गाना नहीं गवाना मैंने कहा खुदा का वास्ते ऐसा ना कीजिएगा लो जी वो ऐसी बात उनकी ज़ुबान से निकली कुछ ऐसा सिलसिला हुआ कि मैं इस तरह से इसमें कास्ट हो गया तू अब इस तरह कर बाहर जा और जादूगर बाहर घास काट रहा है और जाके उसे खूब सता और चिमड़ जा
जो हुक्म मेरे आका, मुझे क्या बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मुझे क्या बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मैं रहमान टेलीविजन पे मुन्ना लाहौरी और आप सबका ज़कूटा जिन बोल रहा हूँ। मैं ऐनक वाले जिन में आया और रातों रात हफीज़ ताहिर साहब की मेज़बानी मैं आलमी एक्टर बन गया ज़कूटा जिन। अगर मुझे पता होता ये कुछ होना है तो मैं काफ़ी तैयारी करता। वो तो अचानक समझ नहीं आया कि रातों रात क्या हो गया कि मैं ज़कूटा जिन बन गया और आज तक ज़कूटा जिन बना हुआ हूँ। कहीं भी जाऊँ कोई भी काम हो वो कहते हैं ज़कूटा जिन आ गया। सर जो असर था जिन का, बच्चे को बहुत पसंद था, बच्चे मेरे हर बात मान लेते थे और कहानी में जहाँ मेरे पे जुल्म होता था सामने जादूगर मुझ पर जुल्म करता, हामून जादूगर और बिल बतौर मेरे पे जुल्म करते थे, तो बच्चे बड़े तरस खाते थे, कहते थे हमारे अंकल ज़कूटा को कुछ ना हो, हमारे ज़कूटा को कुछ ना हो। बेटा मेरा चक्कर तो मुकम्मल हो गया, अब तुम ऐसा करो अपना एक चक्कर और लगाओ, मैं गाड़ी के करीब तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, ठीक है? गाड़ी में आया। ओके। वो माशाल्लाह बड़ा हो गया है, जवान, शादी हो गई उसके भी, उसके साथ है, हाँ उसके बच्चे भी हैं उसके साथ। हेलो गाइस, इट्स अजलाल बुखारी, आई प्लेड इमरान इन ऐनक वाला जिन। इनिशियली इट स्टार्टेड फॉर 13 वीक्स, सो वी डिडंट नो इट वाज गोना गो फॉर दैट लॉन्ग। 93 में स्टार्ट हुआ, 96 में ख़त्म हुआ। I think, I mean, I cannot say more than that ke Imran became my name. Even if I'm going on a street and somebody calls Imran, I have to look back because Imran was kind of part of my life. Kum kum kuma, chum chum chuma, kachukuma kachukum kachukum, chachum chum. चट चकरी बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नासा चोरी खाल कचोरी, मैं हूँ चंदा तू है चकोरी, आ जा कॉमन कॉमन कॉमन। मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी भैन है, सोनिया यादियाँ बालियाँ। यकीन आ गया होगा कि मैं कौन हूँ, मंत्रों से जाहिर है, मेरे नाम से जाहिर है। जी हाँ, मेरा नाम हामून जादूगर है और असल नाम है हसीब पाशा। मैंने इस ड्रामे में ऐनक वाला जिन में हामून जादूगर का किरदार अदा किया, जो कि हफीज़ ताहिर साहब ने खसूसी तौर पर मुझसे पकड़ कर ये रोल करवाया। मैं करना नहीं चाहता था, उन्होंने कहा नहीं तू बड़ा फिट है इस काम के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इज्जत दी। मेरा ख्याल है कि मेरी आन, मेरी जान, मेरी पहचान, मेरी शनाख्त हामून जादूगर है। मुझे लगता है कि परवरदिगार ने कुछ मुझे मेरी नेकियों का इनाम दिया है, जो कि ऐनक वाले जिन में हामून जादूगर का करैक्टर निकला और वो मैंने किया। और मैं और हामून एक ही हैं, मैं इससे सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल सकता। वो कहते हैं मेरा ओढ़ना, मेरा बिछोना, मेरा उठना, मेरा बैठना, सर से पाँव तक मेरी रग रग में हामून जादूगर बस रहा है। मैंने बड़े बड़े राइटरों से बात किया, सब कहने लगे नहीं यार हम नहीं लिख सकते बच्चों का काम। फिर मैं ए हमीद साहब के पास चला। ए हमीद साहब को तो यूँ लगा जैसे एक रोशनी उनकी तरफ गई है। उन्होंने कहा हफीज़ साहब आई विल डेफिनेटली डू इट, मैं ज़रूर करूँगा, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो ए हमीद साहब की बड़ी इमेंस इनपुट है इस ड्रामे के अंदर। तो एक दिन किसी साफी ने पूछा कि हमीद साहब 100 किस्तें हो गई हैं, ड्रामा कब बंद कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा तुम बच्चे पैदा करने बंद कर दो, मैं ड्रामा बंद करता हूँ। रेमू बाबा, अगर कमरा खाली हो और बत्ती चली जाए तुम उसी कमरे में माचिस ढूंढने जाओ और कोई तुम्हें माचिस पकड़ा ले तो। क्यों डरा रहे हो बेटा मुझे इस उम्र में? तो पता है रेमू बाबा क्या होगा? क्या होगा? कमरे में जिन होगा। तो जनाब मेरा नाम मुख्तार अहमद शाद है, मैंने ऐनक वाला जिन में रहमु बाबा का रोल अदा किया और मुझे ये आज़ाद हासिल है कि मैंने
जब पहला एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा था तो पहले सीन के पहले शॉट्स मुझ पर से ही लिया गया और इसका वाइंड अप हुआ तो उस वक्त की लास्ट सीन पर मेरा ही सीन हो रहा था। मैं कहता हूँ कि मैंने वो काफ़ी शूटिंग लेट हो गई थी, ओवर कैरी लेना पड़ गई थी कि हमसे वो सीन अदा नहीं हुआ जा रहा था और बाद में ऐसा माहौल बन गया था, सोगवार किस्म का माहौल। वो ये हफीज ताहिर से आप पूछ सकते हैं और भी कैमरे मैनेजमेंट में जो भी लोग थे वहाँ, कैमरा मैन थे सब थे ना, यानी ऐसे हो रहा था जिसका भी वाइंड अप हो रहा था। हमून जादूगर का हो रहा था तो वो रो रहा था, और बिल बतौड़ी का हो रहा था तो वो रो रही थी। महसूस करती कि मेरा क्या बनेगा, लेकिन सब ने मुझे हौसला दिया, कोई बात नहीं बाद में भी काम करेंगे, स्कूलों में बुलाएंगे, आप फिक्र ना करें, बुलाते भी थे। मैं बहुत परेशान थी, एक तो मुझे इतना प्यार मिला, इतना काम में मैं बिजी रही, मेरा जो हसर थी, बिल बतौड़ी जो मेरे अंदर थी, मेकअप करती थी, ये सारी मेरी पूरी हो गई। बल्कि समीने अहमद आई, अब तो कोई इतनी ख्वाहिश नहीं रही, देखो ज्वेलरी भी पहन ली तुमने और इतना अच्छा तुमने मेकअप भी कर लिया, अब तो कोई नहीं। मैंने कहा बस कुछ, हाँ हाँ क्या हो गया, ये आंसू निकली है किस लिए? मैंने कहा नहीं, ये आंसू जो सीरियल की आखिरी वो हो रही है ना रिकॉर्डिंग, उसके हैं ये। तो जब मैं आखिरी सीन कर रहा था और आखिरी सीन रिकॉर्ड हो रहा था, उसमें यह था कि जिन जो है ज़कूटा और नस्तूर कालीन पे बैठकर उठ के को कहाँ वापस जा रहे हैं और बच्चे नीचे उनको अलविदा कह रहे हैं रोते हुए, तो बच्चे ग्लिसरीन से नहीं रोए, वो वाकई रो रहे थे। मुअत्तर रो रही थी, अजलाल रो रहा था, रहमू बाबा, मुख्तार अहमद शाद रो रहा था, और हमारा स्टूडियो सुपरवाइज़र की आँखों में आंसू थे, और ऊपर मैं पैनल पर कटिंग करते हुए मेरी आँखों में भी नमी थी। If I have to put it in one sentence, I think it's a very, very difficult question, because the 3 years, the association, the involvement and everything, I mean the fame and everything, it was too much. But if I have to sum it up, I'll say, I mean, I lived Ainak Wala Jin. मैं क्योंकि इसमें सीनियर था, ज़्यादा सब के सब फनकार मेरी औलाद थे, वही ये रिश्ता मेरा बना इसके Ainak Wala Jin से। मेरा रिश्ता ही Ainak Wala Jin से है। Ainak Wala Jin है, हर जगह पे जहाँ जाती हूँ Ainak Wala Jin से मुझे पुकारते हैं और यही मेरा रिश्ता ता जिंदगी बना रहेगा। जिस तरह Ainak Wala Jin सीरियल लेजेंड बन गया, इसी तरह मेरा करेक्टर भी लेजेंड बन गया। एसएस चिल्ड्रन के बच्चों के पास मैं गया एक दफ़ा, तो मैंने उनसे जाके पूछा कि हम ये ड्रामा कब तक जारी रखें, तो एक बड़ी मासूम सी बच्ची कहती है कि अंकल जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक जारी रखें।